तरी रहमान ने हुकूमत के कोरोना वायरस वबा से निमटने के लिए इकदामात पर तनकीद करते हुए सेहत के बहरान को जंग से बुरी सूरत हाल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कहा कि हुकूमत बैठकर वबा से निमटने के लिए पॉलिसी बनाने को तैयार नहीं। वजीर आजम गायब हैं, इनकी पॉलिसी गायब है, इनके इत्तेहाद के अल्फाज गायब हैं। उन्होंने सवाल किया कि वजीर आजम कहाँ हैं और इस मुल्क को कौन चला रहा है। इमर्जिंग क्राइसिस इकोनॉमी हेल्थ केयर, ये सारी बातें हम तब कर सकते हैं। अवाम को एक यूनाइटेड मैसेज, वहदत का पैगाम कैसे देंगे, हम यकजहती का पैगाम कैसे देंगे अगर आपके यहाँ से, आपकी हुकूमत से, आला सतह से, कभी सूबाई सतह से ये रोज रोज यलगार और तूफान बदतमीजी शुरू किया जाता है। क्योंकि मैसेज क्या है, मैसेज ये है, आज आप बाहर देखें लॉकडाउन का कि सब मतलब खुल गया है, सब कुछ खुल गया है, कोई SOPs नहीं है, लेकिन वो इसलिए खुल गई है, इसलिए SOPs कोई नहीं कबूल कर रहा, क्योंकि आपको मुल्क के हाईएस्ट ऑफिस से बहुत ही मिक्स्ड मैसेज और कंफ्यूज मैसेज मिल रहा है। आपको एक दिन कहा जाता है हाँ हाँ लॉकडाउन जरूरी है, अगले दिन कहा जाता है शायद ये नहीं करना चाहिए और सिंध ने जल्दी क्यों की, तीसरे दिन कहा जाता है बिल्कुल इसके बगैर काम नहीं होगा। वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग।